नेक्स्ट टॉपिक होता है वाउचर्स, जो हमारा फॉर्मेट है, जो हैंडआउट के स्टार्ट में भी बना हुआ है। अगर हम उसको देखें तो हमारा फॉर्मेट ये कहता है कि भाई एनुअल सैलरी आएगी, इसमें बोनस कमीशन ऐड होगा, बेनिफिट्स ऐड होंगे, अलाउड एक्सपेंस माइनस होंगे। अब इसमें वाउचर्स भी लिखा हुआ है। अब वाउचर्स जो लिखा हुआ है, ये वाउचर्स कौन से हैं, काहे के हैं और इस वाउचर का क्या करते हैं, हम इसको अब पढ़ेंगे। पेज नंबर 26 पे वाउचर की कहानी लिखी हुई है। अब वाउचर होता क्या है? कंपनी ने कहा कि भाई जाओ बाल कटवा लो, वाउचर ले लो। कंपनी ने कहा ठीक वाउचर ले लो, जाके दराज से कुछ खरीद लो। कंपनी ने कहा वाउचर ले लो, अमेजोन से कुछ शॉपिंग कर लो। कंपनी ने कहा ये लो वाउचर और जाके ये कर लो। इस तरह के जो छोटे मोटे तोहफे होते हैं, इसको कहते हैं वाउचर्स या क्रेडिट टोकन्स। अब ये दो तरह के वाउचर हैं। ऐसा वाउचर जिसके बदले में आप कोई चीज खरीद लेते हो तो वो वाउचर कहलाता है एग्जेम्प्ट वाउचर। वाउचर्स एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ऐसा वाउचर जिसके बदले में आप गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं वो एग्जेम्प्ट वाउचर है, इसीलिए फॉर्मेट में लिखा हुआ है कैश वाउचर्स। ऐसे वाउचर जिसके बदले में आपको पैसा मिलता है, लंच मिलता है, या आपको गुड्स कोई ऐसी चीज मिलती है जो कि आपकी शॉपिंग नहीं है, यानी वाउचर के बदले में चीजें नहीं मिल रही, वाउचर को यूज करके आपको चीज मिल रही है, तो फिर ऐसे वाउचर जो हैं वो टैक्सेबल होते हैं और आप अपनी सैलरी में उसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। वाउचर्स आपको पता होने चाहिए, इसकी वर्किंग नहीं होती, इनकी वर्किंग नहीं होती। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर दैट, आपको कोई वर्किंग नहीं करनी, सिंपल आपको पता वाउचर्स को अपनी एनुअल सैलरी में ऐड करना है। ठीक है। वाउचर्स में कोई सवाल?